साथियों, आप सभी का खुशेंदर सर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए CBSE ने अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिनांक 25/6/2020 को नोटिस क्रमांक नंबर CBSE CE/SPS/2020 को एक नोटिस जारी कर दिया गया है, जो कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों से संबंधित है। इस पत्र के क्रमांक 1 के अनुसार अब ये बात क्लियर कर दी है कि 10वीं और 12वीं कक्षा की जो शेष परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई 2020 तक होनी तय थी, उन्हें अब रद्द कर दिया गया है। अब क्रमांक नंबर 2 में ये कहा गया है कि दोनों ही कक्षाएं 10वीं और 12वीं का परिणाम असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर घोषित किया जाएगा, जिसे सजेस्ट किया गया है कॉम्पिटेंट कमेटी ऑफ CBSE के द्वारा। अब क्रमांक नंबर 3 के अनुसार इस पत्र में क्लियर किया है कि रिजल्ट 15 जुलाई 2020 को घोषित कर दिया जाएगा, ताकि छात्र छात्राएं देश विदेश में अगली कक्षा में प्रवेश ले सकें। क्रमांक नंबर 4 में ये कहा गया है कि बोर्ड 12वीं कक्षा के लिए ऑप्शनल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करेगा, जिससे कि विद्यार्थी अपने अंक यानी कि इम्प्रूवमेंट भी कर सकेंगे। यदि वे चाहें तो इन परीक्षाओं को देकर अपनी परफॉर्मेंस में सुधार कर सकते हैं, यानी कि इम्प्रूवमेंट करके अपने अंक भी बढ़ा सकते हैं। किंतु छात्र और छात्राएं इन परीक्षाओं में जो कि अंक प्राप्त करेंगे, वही फाइनल भी माने जाएंगे। पत्र के क्रमांक नंबर 5 में ये स्पष्ट किया गया है कि 10वीं कक्षा के लिए अब आगे जो शेष परीक्षाएं 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 तक होनी तय हुई थी, वो अब नहीं कराई जाएंगी। यानी कि 10वीं कक्षा का जो रिजल्ट है वो असेसमेंट स्कीम के आधार पर घोषित किया जाएगा, जो कि फाइनल होगा। क्रमांक नंबर 6 के अनुसार पत्र में ये भी कहा है कि 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अगर ऑप्शनल एग्जामिनेशन नहीं देते हैं तो असेसमेंट स्कीम के आधार पर घोषित रिजल्ट, जो कि 15 जुलाई को होने की संभावना है, वो ही फाइनल माना जाएगा। पत्र के क्रमांक नंबर 7 में असेसमेंट स्कीम को भी स्पष्ट कर दिया गया है, जिसमें 7A के अनुसार ये स्पष्ट किया गया है कि जो विद्यार्थी अपनी 10th और 12th कक्षा की पूरी परीक्षा दे चुके हैं, तो उनका परिणाम उनकी परीक्षा के परफॉर्मेंस के आधार पर ही डिक्लेयर किया जाएगा। असेसमेंट स्कीम के 7B क्रमांक के अनुसार बोर्ड ने ये क्लियर किया है कि जिन विद्यार्थियों ने 3 विषयों से ज़्यादा की परीक्षा दी है, तो Batch 3 सब्जेक्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर शेष परीक्षाओं के एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे। असेसमेंट स्कीम के क्रमांक नंबर 7C के अनुसार बोर्ड ने कहा है कि जिन विद्यार्थियों ने केवल 3 ही परीक्षाएं दी हैं, तो Batch 2 सब्जेक्ट के प्राप्त अंकों के आधार पर शेष परीक्षाओं के एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे। अब असेसमेंट स्कीम के 7D के तहत बोर्ड ने ये भी कहा है कि कुछ ही विद्यार्थी 12वीं कक्षा के हैं, मुख्यतः या वो ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो दिल्ली से हैं, जिन्होंने केवल अपनी 1 या 2 ही परीक्षाएं दी हैं। उनका रिजल्ट जो कि परीक्षाएं दी हैं, उन इनमें प्राप्त अंक, आंतरिक परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकल या परीक्षाएं व प्रोजेक्ट असेसमेंट के आधार पर घोषित किया जाएगा। इन छात्रों को भी अन्य दूसरे छात्रों के साथ
ऑप्शनल एग्जामिनेशन देने का भी मौका दिया जाएगा, जिससे कि ये अपने अंक सुधार कर सके। पर ये परीक्षाएं तभी कंडक्ट कराई जाएंगी जब स्थितियां अनुकूल होंगी, यानी कि स्थिति अनुकूल होने पर ही ये परीक्षाएं संचालित की जाएंगी। साथियों, ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, और अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल खुशेंदर सर क्लासेस ऑन यूट्यूब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।